जब आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे, तब आप एक ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे जिसको बोलते हैं डिस्कार्नेट। मतलब आपके ब्रेन में जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बिल्कुल टच नहीं कर पाता। थॉट चलते हैं दूर और आप खड़े होकर के दूर रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कृष्ण भी कहते हैं, रमण कहते हैं, निसर्गदत्त कहते हैं कि हाँ ये सब तो गुण है, आइए हम तो बात करते हैं, दूर है, मैं तो एकदम शांत आराम से बैठा हूँ। जैसे कोई आदमी एक बड़े बहुत बड़े फाइव स्टार होटल में बैठा हुआ है, हजारों लोग काम कर रहे हैं नीचे ऑफिस में, किचन में कुक सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो आराम से अपने कमरे में बैठा है, दूर काम चल रहा है नीचे, वो दूर है। ऐसे ही आप डिस्कार्नेट हो जाते हैं, अपनी बॉडी से, अपने माइंड से के साथ रहते हुए भी उससे दूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनेगा चैलेंज 2023 में। हमारे मन की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है और उसको हम अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। हमारा मन चीज़ों को ज़बरदस्ती एसोसिएट कर देता है, जैसे पावलाव का कुत्ता, पता है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया था पावलाव ने, उसने कुत्ते को खाना खिलाने से पहले, जब खाना लाते थे उसके लिए, पहले खाना लाते थे, कुत्ते के मुंह से पानी आता था, फिर खाना लाते थे मुंह से पानी आता था, ऐसे दो चार दिन किया, फिर एक दिन खाना लाने के टाइम टाइम घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह से पानी आया, यूजुअली ऑब्वियसली, क्योंकि खाना आया था, लेकिन हर बार अब दोबारा खाने के साथ घंटी बजाता था। फिर कुछ दिन बाद उसने खाली घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह से पानी आ गया, क्योंकि कुत्ते के मुंह ने या कुत्ते के ब्रेन ने घंटी को खाने से एसोसिएट कर लिया। तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन बायस या एसोसिएशन। हम चीज़ों को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं किसी दोस्त को, उसका कपड़ा, उसका शर्ट देखते हैं और हमको लगता है कि इसकी शर्ट की वजह से शायद इंटेलिजेंट होगा, या इतना इम्प्रेसिव इसलिए क्योंकि इसके पास ऐसा शूज़ है या इसका बैग ऐसा है, फिर हम भी जाकर के वैसे कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें अनकॉन्शियस एसोसिएशन की वजह से करते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है, यही हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है अगर हम हमारे माइंड की ये कमज़ोरी को जोड़ दें स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स के साथ। अब ढेर सारी बातें ज़ेनेगा कहती है, गॉस्पेल्स पढ़ रहे हैं, कृष्ण कुछ बातें कहते हैं, लेकिन पता नहीं है सच है कि नहीं। अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में जो कि आदमी को मिलता है सेक्शन 2 के बाद, 3 के बाद, 4 पे, लेकिन पता नहीं सच है कि नहीं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हमारे माइंड की हैबिट क्या है, चीज़ों को एसोसिएट करना। अगर किसी चीज़ को उसको बार 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 रिपीट कराएं तो हमारा माइंड इसको सच समझना शुरू कर देता है। स्क्रिप्चर्स इसीलिए लिखी गई हैं क्योंकि हमारे माइंड को ट्रूथ या रियलिटी या गॉड को जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अपने आप। इसलिए जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, तो ट्रूथ को आपके बायस में डालता है, शुरू में आपके थॉट्स में डालता है, तो फिर कुछ टाइम के बाद वो आपके थॉट्स के बगल में जो इमोशन है वो उधर तक पहुंच जाता है वो थॉट, और फिर वो आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है कि आपको चाहिए, फिर आप पूछते हो कैसे होगा मुझे बताओ। ये मैं पूरी भगवद गीता जब कवर करूंगा आपके साथ तो दिखाऊंगा कैसे कृष्ण ने स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर में एक एक स्टेप में कृष्ण ने अर्जुन को पहले वो थॉट दिया, फिर उसका इमोशन दिया और फिर उसको एक स्पिरिचुअल आदमी बनाया। तो हमारे ही ब्रेन की अनकॉन्शियसली चीज़ों को एसोसिएट करने की हैबिट है, उसको एसोसिएट करिए आप स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स के साथ। पहला करेक्टिव मेथड, अभी आप सुन लीजिए, सुन के खाली समझ लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपका मन उसको बिलीव करना शुरू कर देगा और एक बार बिलीव करेगा फिर वो उसको एक्सप्लोर करेगा, उसके लिए जो एफर्ट चाहिए वो लगाएगा। इसमें दो तीन वर्ड हैं जो आपको समझना है। सबसे पहला कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, फिलहाल जो हमारी बॉडी है यह सेल्फ कॉन्शियसनेस, इससे कम वाला कॉन्शियसनेस है सिंपल कॉन्शियसनेस, वो किस में होती है, वेरी गुड, एनिमल्स में। सिंपल कॉन्शियसनेस में और सेल्फ कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या है, राइट। एक जानवर को, छोटे से कीड़े को, खाली ये एहसास होता है भूख का, नींद का, सेक्स का, बस। जैसे हम लोग के अंदर में भी होता है सिंपल कॉन्शियसनेस, पता है कब, जब हम बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, इसलिए हमारी मेमोरी नहीं बनती, लेकिन फिलहाल हम हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस।
हमारी जब भूख लगती है हमको, तो हमको पता है भूख लगती है, लेकिन अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है तो वो भूख का पार्ट नहीं है, फिर भी हमको एहसास होता है इसका, वो हमारे मेमोरी का पार्ट है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हमारी फिजिकल मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस से बहुत अलग है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सिंपल कॉन्शियसनेस की जैसी है, क्योंकि जब आप कॉस्मोस के साथ पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं तब आपकी बॉडी के साथ आप आइडेंटिफाई करते नहीं हैं। इसलिए जब ऋषि मुनि या रमण महर्षि जैसे लोगों की बेइज्जती होती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई सम्मान देता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई तारीफ करता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई बुराई करता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण यही कहते हैं कि एक एनलाइटेंड आदमी उसको लाभ हानि यश अपयश से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अब वो कॉस्मोस के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी बॉडी, जैसे नहीं कहते कृष्ण शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र सब मेरे अंदर ही अंदर हैं, वो अंदर सचमुच में उनको एक्सपीरियंस होता था, दैट इज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अभी फिलहाल शतकोटि सेल्स शतकोटि ब्लड सेल्स शतकोटि प्लाज्मा सेल्स शतकोटि हेयर एंड शतकोटि टिश्यूज मेरे बॉडी में है, लेकिन आपको एहसास होता है उसका है आप? ठीक ऐसे ही एक ब्रह्मांड के साथ आपका एसोसिएशन हो जाता है। लेकिन सूत्र कहता है धीमे धीमे जब आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाएंगे तो जो भी चीजें टैंजिबल हैं उसको आप छोड़ देंगे, फिजिकल वर्ल्ड की चीजें धीरे धीरे आप छोड़ देंगे, वो आपको पकड़ेगा नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यात्रा ये खत्म नहीं हो जाती है, जो ग्रोथ या फिजिकल ये जो एनलाइटमेंट की यात्रा है ये तब कब तक खत्म नहीं होती? फ्री नहीं होती। वेरी गुड, जब तक आप फ्री नहीं होते। अगर आपको इस ब्रह्मांड के साथ वन फील हो रहा है और आपकी ये फीलिंग आ रही है कि यार मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, मैं ही एनलाइटन मास्टर हूं, तो अभी आप फंसे हैं, आप फ्री हो जाना चाहिए। तो आप चलते रहिए, आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड जाएंगे, थर्ड फोर्थ पे आपको फिर से एक बड़ी रुकावट आएगी, आपको मिलेंगे ऑकल्ट पावर्स। एक चीज प्लीज समझिए, ये जो पावर्स मिलती है ना, इसके बारे में इसको समझना कि ये कैसे काम करता है या किसी को समझाना कि कैसे काम करता है, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए ना इसके बारे में सोचिए और ना ही तो किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक आदमी पूछ रहा था, सर आपके पास ऑकल्ट पावर्स हैं? उस भाई साहब को ये भी नहीं समझ में आ रहा, अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा। ये तो ऐसे ही हो गया, कोई मुझसे पूछता सर आपके पास कितने पैसे हैं, दिखाओ, कौन दिखाएगा? प्लस दूसरी चीज, दिखाने के बाद भी क्या आपको प्रूव हो जाएगा? अगर मैं कहूं जो आदमी ये वीडियो देख रहा है आज रात को मैं आपके सपने में आऊंगा, तो क्या आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं आया हूं कि आप खुद सपना देख रहे हो? मतलब हमारे इस माइंड को ऑकल्ट पावर्स कैसे काम करती है समझाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड आसपास की दुनिया को ही कैलकुलेट करता है और उसी को समझने की कोशिश करता है, उसको भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है। और ये तो ऑकल्ट पावर्स है, वर्ल्ड के पीछे की जो पावर्स है जो दिखती नहीं हमारी आंखों को, वो कैसे काम करती है ये उसका मामला है। हम सब लोग जैसे जैसे एक्टिविटी करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे और बुरे कर्म में डिफरेंस क्या है मुझे बताइए, क्योंकि उसी हिसाब से डिसाइड होता है हमारा अगला जन्म। एक अच्छा कर्म और बुरे कर्म है, आज आप लोगों ने कोई अच्छा कर्म किया है? एक बुक पढ़ना शुरू कर दिया कि अच्छा कर्म है? अच्छा कर्म और बुरा कर्म आप के सामने जब तक दो ऑप्शन नहीं आते आप नहीं चूज कर पाएंगे। जैसे सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग उठते हैं, योग करने के लिए, उसमें लगता है कि ये बड़ा झंझट का काम है उठना और एक्सरसाइज करना। अच्छा कर्म वो है जो आपको फ्री कर सके, क्योंकि हम लोग जब बहुत अच्छा कर्म कर पाएंगे ना, तो हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट साइकिल्स होते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिटर्न से। जब हम मरते हैं तो यहां से हम जाते हैं एक सेंट्रल पॉइंट पे, ये पेरिफेरल पॉइंट है। यहां से मरने के बाद हमारी कहना चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जाती है सेंट्रल पॉइंट पे। अगर वो बहुत दूर है तो हम लॉन्ग साइकिल के बाद वापस आएंगे, मतलब कई सौ सालों के बाद, कई हजार साल के बाद जन्म लेंगे, जैसा कि होता है अवतार्स के साथ। और अगर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब आपके कर्म बहुत बहुत अच्छे नहीं है, ओके ओके हैं, तो गड़गड़ गड़गड़ करके आपके बार 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 जन्म लेंगे आप। जो लोग बहुत खराब कर्म करते हैं वो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार सफर करते हैं। आप अच्छा कर्म तब तक नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिएगा, जब तक आपके इमोशंस और आपकी सेक्सुअलिटी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको दिखेगा ही नहीं, आप रोड पे जाएंगे तो आपको होटल दिखाई देंगे, कपड़े की दुकान दिखाई देगी, जहां कहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं दिखेगा ही नहीं।
अगर आप कहीं किसी की सेवा कर सकते हैं, नहीं दिखेगा आपको। अगर दिखेगा भी तो आपको फील नहीं होगा करने के लिए। फिलहाल के लिए जो सबसे अच्छा कर्म है दैट इज स्टडिंग स्क्रिप्चर्स। आप ट्रूथ के बारे में जब स्टडी करते हो, अपने ब्रेन के बारे में जब स्टडी करते हो, तब आपका आई सेंटर डेवलप होता है। आई सेंटर आपको दिखा पाता है कि इस कर्म से मुझे फ्रीडम मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे किसी आदमी ने आपकी बेइज्जती की, आपको कहा कि तुम देखने में मोटे दिखते हो, या कोई और चीज़ को लेकर के आपकी बेइज्जती कर दी, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उससे बदला लें या आप उसको छोड़ दें। लेकिन ये दो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप बदला लेंगे ही लेंगे। अगर आपका आई सेंटर ई सेंटर के ग्रिप में है, इमोशन के ग्रिप में अगर इंटेलिजेंस है, तो आप बदला लेंगे। अगर बदला नहीं भी लेंगे तो घर पे आएंगे, बैठ के रोएंगे कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरी बेइज्जती हुई, मेरी बेइज्जती हुई। तो आप वहां पर भले उसको मारे पीटे ना, घर पे आकर के जो मन के थॉट्स के वेव निकल रहे हैं, दैट इज मेकिंग यू एन एवरेज पर्सन। वहीं पर आप जनोगा पढ़ रहे हो, थ्री स्टेप कर रहे हो, अपने माइंड को स्टडी कर रहे हो, और करते करते आपके इमोशंस के का पकड़ आपके इंटेलिजेंस पे कम हो गई है। अब आप अपने इमोशंस में डूबते नहीं हो। किसी ने आपकी बेइज्जती की, बुराई की, तो बहुत मोटे दिखते हो, और अचानक से आपको याद आ गया, अरे ऐसी तो बुराई भगवान गौतम बुद्ध की भी की गई थी। एक आदमी ने उनको ऐसे थूक दिया था, तो उन्होंने अपना कपड़ा पोंछा और चले गए वहाँ से, बिग डील। बोलो ठीक है भाई, मैं मोटा हूँ, हाँ यार मोटा तो हुई, चल ठीक है बाय, कल बात करता हूँ। आपको कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पर, योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अगर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो आप लॉन्ग साइकिल पे जाते हैं। और जो आदमी अवतार होने के नज़दीक होता है, उसके हाथों के निशान देख करके लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आदमी किसी स्पिरिचुअल काम के लिए पैदा हुआ है कि नहीं, या एक आदमी फेल ही हो जाएगा। हमने पढ़ा था अघोरा में, जिना चंद्र सूरी ने विमलानंद को क्यों चूज़ किया था शव साधना करने के लिए, उनका उनका फ्यूचर देख करके, उनकी कुंडली देख करके। हमारी कुंडली में ये चीज़ें हैं, इसको समझा जा सकता है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम अच्छा काम कैसे पहचाने, तो इसके लिए आपको दूसरा सवाल पूछना पड़ेगा कि हमको अच्छे काम दिखते क्यों नहीं है हमारे आँख के सामने, और दिखते हैं तो करने का मन क्यों नहीं करता। गीता पढ़िए, पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, रुकिए रुकिए, आंसर मत दीजिए, अपने मन में पूछिए। जब हम पेयर ऑफ ऑपोजिट्स को एक्सपीरियंस करते हैं खूब मन से, पता है बोर्डम क्या है, बीइंग इन द सेंटर। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स मतलब एक तरफ बड़ी खुशी, एक तरफ बड़ा दुख। आमतौर पे हम यही लाइफ जीते हैं, खूब एक्साइटेड खुश हो जाएंगे, उसके बाद दो चार दिन के बाद बहुत दुखी हो जाएंगे। हम दीदी को बोलते हैं, दीदी आज डोसा बनाओ, आज चाउमीन बनाओ, या कुछ और बनाओ, ये पेंडुलम है। उसके बाद जब ये खाकर बोर हो गए तो ये पेंडुलम है, हमको आज कुछ और खाना है, पराठा खाना है, फिर ये पेंडुलम है। हम एक्सट्रीम्स में रहते हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में रहते हैं। जब आप पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में रहते हैं तो आपका सटल एसेंस, आपका जो अंदर का सूक्ष्म माइंड है, वो ईगो और पुरुष, मतलब हमारे अंदर में अहंकार और हमारे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। हमारे मन में जब कोई थॉट चलता है तो वो थॉट, यार आज ये करना चाहिए मुझे, आज मुझे ये फिल्म देखनी चाहिए, वो चीज़ ईगो है। या जब कोई आदमी हमारी बुराई करता है और हमको गुस्सा आता है, वो ईगो है, लेकिन दिखता ही नहीं हमको। क्योंकि अगर हमको अपना अंदर का पुरुष डिवाइन फ्रैगमेंट दिख जाए तो कौन पागल आदमी ईगो के चक्कर में फंसेगा यार। ईगो यानी सड़ा हुआ खाना, और डिवाइन फ्रैगमेंट मतलब एकदम प्योर फ्रेश टेस्टी चीज़। आप उसमें जाके रहना चाहेंगे या ईगो में? लेकिन फिर भी हम कचरा खाते हैं जानवर की तरह, क्योंकि हमको दिखता ही नहीं है। एक जानवर बेचारा जब खाता है ना, वहाँ देखा है कभी गाय को कचरा खाते हुए, वो पॉलीथिन खा जाती है, क्योंकि उसको दिखता नहीं पॉलीथिन और वो खाना साथ में फंसा हुआ है दोनों। हमारी भी हालत वैसी ही है, हमारे अंदर में ईगो और पुरुष के बीच में, डिवाइन फ्रैगमेंट के बीच में हमको डिफरेंस क्यों नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि हम 24 घंटे चीनी नमक और आँखों का चीनी नमक खाते रहते हैं, मतलब वीडियोस देखते रहते हैं। और जब उससे खाली होते हैं, खाने से खाली होते हैं, फ़ोन से खाली होते हैं, तो लोगों से बकबक करके चीनी नमक खाते हैं दिमाग का। चीनी नमक मतलब एक्सट्रीम्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, थॉट्स, ये भी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है। जिनोगा याद दिला रही है, भैया ये जो फिजिकल बॉडी है ये इसलिए नहीं है ताकि तुम एंजॉय कर सको, ये किस लिए है, तुम्हारे अंदर में एक स्पिरिचुअल मैन है,
डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसके यूज के लिए है ये। जब तक आप सेक्शन 4 डेवलप नहीं करोगे तब तक आपको दिखेगा नहीं, स्पिरिचुअल परसेप्शन नहीं डेवलप होगा। अभी तो हमको जैसे, चलो अच्छी बात है आज क्लास सुन रहे हैं तो कम से कम ये सीड जा रहा है आपके दिमाग में, कुछ सालों बाद 5 साल 10 साल बाद आपके मन में आएगा, अच्छा ठीक है कैसे होते हैं डिवाइन फ्रैगमेंट, कैसे होते हैं जो आदमी एनलाइटन होता है कैसा होता है। ये सवाल अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने जवाब दिया 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, और उसकी किताब लिखी गई, आज तक किताब पढ़ रहे हो। किसी ने सवाल पूछा ना, किसी के अंदर में स्पिरिचुअल परसेप्शन था, वो आपके अंदर में भी आएगा। 4-5 पावर्स होती हैं, उनको पहले ही बता दूं, फंसिएगा मत। जब आपके अंदर में स्पिरिचुअल परसेप्शन डेवलप होगा तो आपके अंदर आएगा पावर ऑफ क्लैरोवेंस। क्लैरोवेंस मतलब इस दुनिया में किसी भी चीज़ को देख पाना, दीवार के आर पार देख पाना, हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर देख पाना, ज़मीन के अंदर देख पाना, सब जगह सब कुछ देख पाना क्लैरोवेंस होता है। ये आपके अंदर आएगा, आपके अंदर में आएगा क्लियर ऑडियंस, आप कहीं की कोई भी बात सुन पाओगे, आदमी के मन के अंदर की बात भी सुन पाओगे। आपके अंदर में आएगा साइकोमेट्री, साइकोमेट्री मतलब वो वाली पावर जो वो साधु बाबा ने मेरे कपड़े टच करके बता दिया मैं कहाँ हूँ, किसी भी चीज़ को टच करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम पड़ जाएगी, दिस इज साइकोमेट्री। और आपके अंदर में आएगा टेलीपैथी, आप अपने थॉट किसी और को भेज सकते हो बिना बोले। और भी इस तरह के कुछ पावर्स आएंगे, ये सब के सब आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज देते जाते हैं, इंट्यूशन नॉलेज। जब आप स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं तो ये ऑब्स्टिकल है, ये बार बार आपको बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि ये ज़रूरी है, भूल जाएगा नहीं तो ये ऑब्स्टिकल है। जब पावर आएगा जैसे पैसा आता है तो भूल जाता है ये ऑब्स्टिकल है, आपको लगता है तो ये एडवांटेज है यार, बाइक मिली जूम, जिस तरह से बच्चे चलाते हैं गाड़ी, तो आज एक लड़का हम लोग के पीछे से गाड़ी चला के ले जा रहा था, फ़ोन चला रहा है और गाड़ी चला रहा है कार जूम करके, बड़ी मम्मी के साइड से लेकर गया, फिर हम लोग घर चले गए अंदर। यू नीड टू रिमेंबर, जब आपके पास पावर आएगी, कार आएगा, पैसा आएगा, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आएगी, इट इज़ एन ऑब्स्टिकल। अभी आजकल हम लोग किसी को देखते हैं ना, किसी बहुत सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं, किसी यूट्यूबर को, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को, अखबार पढ़ते हैं उनके बारे में, न्यूज़ अखबार नहीं पढ़ते, मोबाइल में हम देखते हैं तो हम बड़े इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उससे। कोई बड़ी नई कार में चल रहा है, थार में चल रहा है, या किसी ने नया फ़ोन ख़रीदा, किसी ने बहुत बड़ा घर लिया, तो हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। सेम इम्प्रेस्ड होना हमारा होगा जब हमारे पास पावर आएगा, हम खुद से इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। और इस तरह के इम्प्रेस्ड होना वह होने वाले लोग हैं कंस, रावण और ऐसे अनगिनत लोग। जब उनके पास ताकत आई तो उनको लगा कि बस सब कुछ है, कंप्लीट है। इसलिए आपको आगाह किया जा रहा है, ऑल द पावर्स आर ऑब्स्ट्रक्शन। ये बहुत बड़ा लंबा सूत्र है। जब आपका माइंड, सुनिए, आपका माइंड IES बड़बड़ नहीं करता, आप शांत रहते हैं, आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं, आप मेडिटेटिव होते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठा हो जाता है। आपको दुनिया से मतलब ही नहीं, कौन सक्सेसफुल हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, किस कौन करोड़पति हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं अपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और एक पॉइंट के बाद आपके अंदर में ऐसी ताकत आती है कि आप अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अपनी बॉडी में से अलग करके दूसरे की बॉडी में डाल सकते हो। इस तरह से बहुत से साधु अपनी उम्र बढ़ाते हैं, जब वो बूढ़े हो गए बॉडी, तो इस बॉडी को छोड़ करके किसी और आदमी के, जवान आदमी की बॉडी में घुस जाते हैं, जो अभी भी मरा है, यंग है, उस बॉडी में घुस जाते हैं, और उसके खतरे होते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसा। ये ऐसा है जैसे कि आपका घर एकदम टूट फूट गया और आपने घर छोड़ करके पड़ोस वाले का घर जो अभी भी छोड़ के चला गया उसके अंदर घुस गए आप। क्योंकि हम इस बॉडी के अंदर में एक एसेंस हैं, हम इसमें से अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपनी पर्सनैलिटी से अलग होना पड़ेगा। बताए पर्सनैलिटी क्या होती है? इसने मुझे ये कहा था, ये मेरा भाई है, तूने मेरे भाई को ऐसा क्यों कहा, मेरा ये कपड़ा है, मेरे पिताजी हैं, मेरा ये घर है, जिन जिन चीज़ों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी शक्ल आपकी पर्सनैलिटी है। कभी आपका मुंह अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपको बड़ा दुख होगा, आप जब चेहरे पे अपना लेप करते हैं और मेकअप करते हैं और मतलब साफ करते हैं और शेव करते हैं और एकदम हीरो दिखते हैं तो आपकी बड़ी खुशी मिलती है, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। जब आप इससे अलग हो जाते हैं तब आप अपनी बॉडी से अपने आप को अलग करके किसी भी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं और उस आदमी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये भी एक पावर है,
जो आपको मिलती है जैसे जैसे आपका IESM आपके कंट्रोल में आता है और आपकी रिजल्टेंट इनर्जी बढ़ती जाती है। जब आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे तब आप एक ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे जिसको बोलते हैं डिस्कार्नेट, मतलब आपके ब्रेन में जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बिल्कुल टच नहीं कर पाता। थॉट चलते हैं दूर और आप खड़े होकर के दूर रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कृष्ण भी कहते हैं, रमण कहते हैं, निसर्गदत्त कहते हैं कि हाँ ये सब तो गुण है, IESM तो बात करते हैं, दूर है, मैं तो एकदम शांत आराम से बैठा हूँ। जैसे कोई आदमी एक बड़े बहुत बड़े 5-स्टार होटल में बैठा हुआ है, हजारों लोग काम कर रहे हैं नीचे ऑफिस में, किचन में कुक सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो आराम से अपने कमरे में बैठा है, दूर काम चल रहा है नीचे, वो दूर है। ऐसे ही आप डिस्कार्नेट हो जाते हैं, अपनी बॉडी से अपने माइंड से के साथ रहते हुए भी उससे दूर हो जाते हैं, और इसको इल्यूमिनेशन कहती है जिनोगा। लेकिन अभी भी आप इस बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं, अभी तक पूरी फ्रीडम नहीं मिली है, अभी आपकी यात्रा बाकी है। यात्रा बाकी, यात्रा कंप्लीट कब होती है? जब फ्री ऑफ थॉट, पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। इवन द चक्र ऑफ बर्थ, जब आप, आपको पॉसिबिलिटी नहीं होती बर्थ की, तब फ्री होते हैं। जब जब तक आप बॉडी में आ सकते हैं तब तक आप मर सकते हैं, चाहे फिजिकल बॉडी हो, चाहे मॉलिकुलर बॉडी हो, चाहे किसी और टाइप की बॉडी हो। भूख, दर्द, चोट, ये सब इस बॉडी का नेचर है। इससे पूरी तरह से जब तक आप फ्री नहीं हो जाते तब तक अपने आप को फ्री मत मानिएगा। चाहे कितनी भी अच्छी बॉडी हो, कितनी भी पावरफुल आपके पास शक्तियां हो, बट स्टिल वो खत्म हो सकती हैं। पहले मुझे समझ में नहीं आता था यार कि क्यों भगवान बोलते तुम अमर नहीं हो सकते। भगवान चाहते हैं कि कोई भी आदमी जिंदगी भर अमर होकर के रुखी दुखी ना हो जाए। दर्द, तकलीफ और बॉडी, ये सब चीज़ें इस दुनिया का नेचर है। इससे कंप्लीटली फ्री होना है, दैट इज़ द पर्पज ऑफ जनोगा, नॉट टू गेट सम मिस्टिकल पावर्स। वो मिलेगी तभी। कुछ दिनों में देखिएगा आप लोग इस जन्म में बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत रिच होंगे आप तीनों लोग। बट दैट इज दैट, डोंट लेट दैट बिकम एन ऑब्स्टिकल फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, एनलाइटमेंट क्या होता है, स्पिरिचुअल टीचर क्या होता है, क्या सचमुच में एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं, क्या उनके साथ हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे नागपुर के सेशन में, 23 और 24 तारीख को है। इसलिए अपनी सीट आज ही बुक कर लीजिए। इसकी कोई फीस नहीं है दोस्तों, ये कम्प्लीटली फ्री है, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। इसलिए आज ही इस नंबर पर अपना डिटेल्स शेयर करिए और अपनी सीट बुक करिए। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ नागपुर में 23 और 24 तारीख को, 3 से 5, होटल सेंटर पॉइंट जी।